निगरानी। जब ऐसी बात है तो खानो तो आप दवाई खाएंगे, जाके अपने यार से कह दूंगो और सिड़रिया को ब्याह के हरी नगरी से ले आवेगो, तभी मुझे चैन में चैन पड़ेगो। और देख एक बात और बताया जाता हूँ, वो कौन सी में चलता हूँ और जाके अपने यार से कहूंगा, और जो यार मने करेगा शादी को तो पगिया पलट के वापस आ जाऊंगा। इतनी बातचीत है जाता, खाना उन्होंने सब भूल जाता, दुर्गना वहां से वापस चल पड़ा। चल के थोंजिया के पास पहुंचता है, थोंजिया कहने लागो भैया अरे क्या हकीकत है। उन्होंने हकीकत का सुना, भैया बवाल पड़ गया। उन्होंने क्या भारी ख्याल आ रहे हैं, धन को वापस कर दो, कोर्ट धोरी को जाना है और चल के मुझे अपने यार पर्सनल से बात करनी है। उन्होंने कि हमें बताओ हकीकत क्या है। उन्होंने कि तुम्हारे कोई वस्ती बात ना है, ये तो दादा को बताई जाएगी, तुरंत धन को वापस कर देते हैं साहब और चल सलावत कोर्ट धोरी में पहुंच जाते हैं। पर्सनल माई सामरी देख देख विचार कर लगे, नहीं ये क्या बात हुई भाई। तो पर्सनल कह लागो उन्होंने की यार दुर्जना अरे हकीकत क्या है भाई, बात बताओ। तो दुर्जना जवाब नहीं बनता है, कहने लगा भाई साहब बताइए बताइए। उन्होंने बताए क्या भाई, बहुत अफसोस की बात है, जुलम हो गया, मुझे मालूम पड़ती है कि हमारी तुम्हारी यारी में कुछ खलल पड़ने वाला है। उन्होंने की बताओ क्या बात। पूरी हकीकत दुर्जना ने बताई और बताने के बाद दुर्जना कहने लगा उन्होंने की भैया आखिर में बात क्या है, सुनो। अरे
मतमल कहने लगा गुंजना, अरे सब सब बात कहिए मगर इस बात को पगिया का नाम मत लेना। ये बात तो मैंने उसी दिन ये कह दी कि पगिया पलटेगी यारी, ये जीवन भर नहीं छुटेगी, और जो तू कहेगा वही काम करूंगा मगर गुजर नहीं होंगे। तो उन्होंने की तो कोई बात नहीं है, जब शादी को तैयार हो तो पगिया पलटने की कोई बात नहीं है। रानी ने इस तरीका से पूरी हकीकत बताई कि रानी इतनी है मगर उनने के सब है ऐसी हरी धरी, मोहर बांध के किसी राजा के यहाँ जाके और शादी नहीं करी। सब उनने कोई बात नहीं, आप चिंता न करें तो मन मन चल के और माई सामने के पास पहुंच जाता हूँ। राजा को सुनो शेरिया ने तो माई सामरी ने तो माई सामरी एकदम चौक पड़ी, कहने लगी बेटा अरे ये मामूली बात नहीं है, तेरे कोई बस की बात ना है, हरी नगरी को नाम मत लेना, तो शादी की जरूरत है तो उमरिया उमरिया के शादी कर दूंगी, जहाँ तक जैसे करवावे मगर हरी नगरी को राजा हरी सिंह का नाम मत लेना। माई अरे दुनिया की 200 शादी कर दे मेरे कोई अब तक ना है, क्योंकि ये बात दुर्जना की रानी ने बोली मार दी है और मेरी यारी छूट जाएगी इसी बात पे। एक क्षण Ha ha ha!
नर सामरी माया को भैंस जाती है कि पर्सनल किसी कीमत पर नहीं मानेगा, प्राण कमा देगा, पैसे से जाने दो। बात पर खटाई में गई, कहने लगी बेटा प्राण तेरे हरी नगरी में मैं बचूंगा, और तू हिंग मरने को तैयार है रवा तो मैं तुझे आज्ञा तो देती हूँ। फिर बेटा बहुत खबरदार और होशियार रहना, हरी नगरी का मामला मामूली ना है तो पर्सनल क्या कर लगा। मुझे आज्ञा दे देनी चाहिए, सामरी माई पर्सनल को आज्ञा दे देती है और उसके बाद कहती है बेटा बहुत समझदारी से होशियारी से काम करना, मुझे बहुत भारी खतरा है। तो उन्हें की माई चिंता मत करे, सब भगवान भली करेगा। आज्ञा लेके पर्सनल वहां से हरी नगरी को चल पड़ा था। चलते चलते और पर्सनल हरी नगरी में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद क्या देखता है, हरी नगरी में राजा हरि सिंह का दरबार लग रहा। तो वो दरबार में पहुंच जाता है। किसी ने और राजा पर्सनल की बात ना बूझी। इसी तरीके से एक दिन और दो दिन तीन दिन बीत जाते हैं। होता क्या है, पर्सनल विचार करने लगा कि हाँ मुझे मालूम पड़ता है कोई बात को पूछने वालों ना है और कुछ करना चाहिए। तो विचार करके और राजा पर्सनल राजा हरि सिंह के बेड़े पर पहुंच जाता है और जाकर उनने बेड़ों खोल के और गायें निकाल कर बेड़े से और बनी को ले चला। जब लेके चल पड़ा तो देखने वाले दो चार हलकारा हरि सिंह राजा के पास पहुंच जाते हैं। उनने की ऐसे ऐसे एक मरी दंगा और तुम्हारे धन को खोल को बनी को ले गया। तो राजा हरि सिंह की मजबूरी बनी के घोड़ा पर चढ़ के और वो पिछारी करने लगा और जाके बनी में पहुंच जाता है राजा पर्सनल के पास। तो कहने लगा उन्नी भैया अरे तुम्हारा कारण क्या है जो कि बगैर इतला कर बगैर बूझे हमारे धन को तुम खोल कर बनी में ले आए, अपना मतलब बताइए। तो राजा पर्सनल क्या कह रहा था, हाँ
बहुत भारी शौक है और आपने 3 दिन से मेरी कोई बात नहीं पूछी, इस वजह से मैं धन खोल के बनी को ले आया। मुझे धन चुकाने का बहुत भारी शौक है। तो राजा हरि सिंह कहने लगे, भैया आप क्या चाहते हैं? हमारी गलती है, हमने आपसे कोई बात नहीं पूछी, फिर आप बताइए क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, क्या करना है? तो पर्सनल कहना काम करे वो पूरा और पैसा ना है कौड़ी कटे। तो उन्होंने की भैया और कोई व्यवस्था? उन्होंने की हाँ व्यवस्था तो 2-4 आपको करनी पड़ेगी, तनखा पैसा पाए कुछ ना चाहिए। ठीक बताइए क्या व्यवस्था करनी पड़े। उन्होंने सुनो आगे 40 रोटी आई खांगो जाग बाले कमलैया, 40 लाव वाले खेलाइया ले। कहने लगा बच्चर बात है, अपनी डायरी में लोट लोट कर ले, ये आपको मुगर निभानी पड़ेंगी और मुझे कुछ ना चाहिए। तो हरि सिंह राजा विचार कर लगा, उन्हें कोई बात नहीं, ये तो सही बात है। इतनी बात डायरी में नोट कर लेते हैं और कहने लगा, उन्हें और बताइए। उन्हें सुनो करने लगा। उन्होंने कोई बात गलत नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। कोई राजा चढ़ाई करेगा तो कामे आवे हो, हमें बहुत ताड़ मिलेगी और रोटी सूत्र 40 की जगह और 45 भेजेंगे, कमी सूत्र काय की पड़ेगी, कोई बात नहीं है। उन्होंने हम मंजूर है तेरी शर्त पर। और कहने लगा जो कहा सुनिया हम तुम बात और हो जो को हम तुम्हें कहूं एना पैनी है गई।
तो मार आपको जरूर दूंगा, ये सोच लेना। सब बात मजबूना करके लगत पड़त कर लेता है, उनकी मंजूर है हमारे तक। समय क्या होती है, अरे याद ना आयो हरी नगरिया में साई देना कही मेरे राम सरिया रानी रे। जिसना राजा परमल हरिनगरी में आया, समय की बात उसी दिन सिलरिया निकल के हरिनगरी से देश कमरू को चली गई। शंख विशंका के संग परमल धन को चुकावन लागो, एक धीमा और छाक पहुंचावन के तक बांधो। उनने की तू इतने टाइम भैया भीमर डोली बना के खानो हमारे ग्वारी आगे तक फलानी जगह पे पहुंचाने का काम तेरा होगा, तुझे तनख्वाह मिलेगी। वो काम बता देता है और पर्समल रोजाना धन को खोल कर चुगावत हुआ इधर उधर इंतजार करता है। तो सिलेरिया कहूंगा ना पर्समल विचार करने लगा, बहनचो मालूम पड़ते तुम खाली धो को चकमा दे दो, क्या मामला है। काफी दिन है जाते हैं परमल को रहते तो जिस जगह किया हो उस जगह परमल रोटी फोटी तो सब गायन को खवाए दे तो दूध धो तो पिए तो और एक पी पराकी जर पर रोजाना डेली नेम बांध के दूध चढ़ाए कर दो। जब दूध को चढ़ाए कर दो तो वो डेली नेम के खातर उस दूध के तक वहां एक सरफ हो वो अपने आगे पीछे उसका इस्तेमाल करता। इसी तरीका से समय की बात 12 साल बीत जब 12 साल बीत जाती है उधर 12 साल में सिलरिया जादू विद्या सिंह के फरफैश हो जाती है। होता क्या है, उसी पीपरा की जर से एक नाग कौनिया निकल के बाहर आ जाता है और एक दिन राजा परमल से कहने लगा, भैया आपको बहुत दिन रह गए हमारी सेवा करते दूध पिलाते, अब यहाँ से हम जाने वाले हैं और आपको हम कुछ देना चाहते हैं। तो परमल कहने लगा, भैया अरे क्या दोगे। तो कौनिया नाग क्या कहने लगा, अरे जो मांगो आगे सोई पावोगे उजर होल को नले गायन के ग्वाला रे। अरे का मांगो का देवे मेरे नागा का मेरे है नले पानिया नागा रे। बस बल कहने लगा, भैया अरे क्या मैं मांगू क्या तुम देखो क्या मेरे है ना, मेरे पास सब कुछ है मैं कुछ नहीं मांग रहा। तो कौनिया कहने लगा, नहीं नहीं मुझे तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा भाई और आपको मांगना पड़ेगा,
मैं आपको उद्धार कैसे हुआ, जब नहीं मानता है तब पर्सनल। कहने लगा उन्होंने कि सुनो भाई, अरे ऐसी ऐसी हमें दे दिया दुनिया में ना हो रे कौवा राजा पहले। अरे पानिया मन उगल तुरे मन उगल तुरे राम संग में कंगारे। नाग पानिया ने एक मनी उगली और एक गंगा को उगलता और कहने लगा भैया देख इस मनी को तू अपने साथ रखेगा तो कभी ये मनी आपके पास रहेगी, तब तक आप कहीं जल में और कहीं थल में।